हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लोब। गाइस, आज हमारी सीरीज का दूसरा दिन है। पहले दिन में हम लोगों ने फेस को क्लीन किया हुआ था। जी हाँ, हम लोगों ने बेसन और दूध से हम लोगों ने अच्छे से क्लीन किया हुआ था। अगर आपने मेरा सीरीज का पहला दिन नहीं देखा है तो आप सीरीज का वो डे वन देखिए कि उसमें हम लोगों ने फेस को किस तरीके से क्लीन किया हुआ था। तो आप अच्छे से उसको क्लीन कर लो। और मैंने आपको बोला था कि आपको ये पूरी सीरीज जो फॉलो करनी है ये रात के वक्त फॉलो करनी है, आपको इसको दिन में नहीं करना है। और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं वो भी मैंने उसमें बताए हुए थे, तो आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो आप अच्छे से उसको फॉलो करने के बाद अब हम लोग डे टू में आए हैं। तो डे टू में हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को एक बढ़िया सा स्क्रब बनाना है अपनी स्किन के लिए, अपनी पिगमेंटेशन, अपनी झाइयाँ, अपनी जो डार्क स्पॉट्स हैं, जो आपकी डिफरेंट टोन है फेस की, वो सारी चीज़ें को रिड्यूस करने के लिए, क्योर करने के लिए, इन सब चीज़ों को हम लोगों को हटाने के लिए एक बढ़िया सा स्क्रब रेडी करना है। तो उसके लिए जल्दी से हम लोग तैयार हो जाते हैं स्क्रब को रेडी करने के लिए। करना क्या है, आप उसके लिए चावल ले लो, चावल को अच्छे से वॉश कर लो। ध्यान रहे उसका जो पानी निकला है वो आपको गमले में डालना है, नाली में नहीं फेंकना है। तो आप उसको अच्छे से वॉश कर लो। और तो आप रोज वाटर ले लो और जो चावल हम लोगों ने वॉश किया है उस चावल को आप किसी बाउल में रोज वाटर में आप उसको भिगो के रख दो। आपको उसको आधे घंटे के लिए भिगो के रखना है। जी हाँ, उसको अगर आप आधे घंटे का टाइम नहीं है आपके पास तो आप उसको 15 मिनट के लिए भी भिगो के रख सकते हो, आधे घंटे के लिए भी आप टाइम दे सकते हो। जब तक आप कोई काम कर रहे हो तब तक आप उसको भिगो कर रख दो, बाकी के काम जो आपको करने हैं वो आप अपना कर लो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट अगर आपको टाइम नहीं देना है तो आप 15 मिनट भी उसको भिगो के रख सकते हो। तो आप रोज वाटर में उसको भिगो के रख दो। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो होममेड रोज वाटर कैसे बनता है उसका मैंने अलग से लुक नेचुरल विद प्रीति में मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देखिएगा। तो उस वीडियो में कैसे बनाना है बहुत इजी स्टेप्स मैंने बताए हैं, बहुत सिंपल तरीके से आप होममेड रोज वाटर बना के रख सकते हो अपने पास और इजिली उसको चला सकते हो महीनों तक। तो आप रोज वाटर में उसको भिगो कर रख दो और 10 से 15 मिनट आधे घंटे तक उसको इसी तरीके से भिगो के रख दो। और उसके बाद आप उन चावलों को रोज वाटर के साथ ही एक छोटे से मिक्सर जार में आप उसको डाल दो। रोज वाटर निकालना नहीं है, ध्यान रखना है, रोज वाटर के साथ ही उन चावलों को मिक्सर जार में आपको डालना है। और फिर आप एक आलू ले लो, छोटा आलू चाहिए, कोई ज्यादा बड़ा सा आलू मत ले लेना, छोटा सा मीडियम साइज का एक आलू ले लो, उसको पील ऑफ कर लो और उसके बाद उसके छोटे छोटे स्लाइसेस डाल दो उसमें काट के। और फिर आप थोड़ा सा उसमें लेमन जूस ऐड कर दो। लेमन जूस ऐड करना बहुत ही मस्ट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। जितने इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ इनमें से कुछ भी स्किप नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं इंग्रेडिएंट्स पहली बार तो मैं बता ही नहीं रही हूँ, मुश्किल से तीन चार इंग्रेडिएंट्स आप अच्छे से आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो आप इजली इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर जार में डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लो। और जब आप उसको अच्छे से ग्राइंड कर लोगे तो जब आप उसको निकालोगे देखिए कितना बिल्कुल एक वाइट वाइट सा एक बिल्कुल पेस्ट निकला हुआ है। ये बहुत ही देखने में ही इतना खूबसूरत लग रहा है, सोचो जब हमारे फेस पे लगेगा कितना अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है। तो उसके बाद आप उसको एक बाउल में आप पलट लो और फेस को अच्छे से क्लीन किया हुआ है आपने तो आप अच्छे से क्लीन कर लो अपने फेस को। और उसके बाद ध्यान रहे कि आपको फेस पे पहले से कुछ अप्लाई नहीं करना है, ओके? तो आप इसको अच्छे से क्लीन कर लो। उसके बाद आप इस पेस्ट को अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लो। आप नेक में भी लगा सकते हो, अगर आप हाथ पैरों में लगाना चाहो आप उसमें भी लगा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप उसको अच्छे से अपने फेस पे फैला लो, स्प्रेड कर लो अच्छे से। और उसके बाद आप उसको स्क्रब करो, ठीक है? इसको ध्यान रहे इसको सुखाना नहीं है, इसको अच्छे से आप स्प्रेड करने के बाद अपने पूरे फेस को अच्छे से स्क्रब करो, जेंटल तरीके से स्क्रब करो, क्योंकि ये चावल है तो कण इसके रहते हैं, तो इसलिए आपको इसको जेंटल तरीके से स्क्रब करना है। ये नहीं कि बहुत हार्डली आपको स्क्रब करना है, जी नहीं, आप इसको जेंटल तरीके से स्क्रब करो अच्छे से। इसको 5 से 10 मिनट आप अच्छे से इसको स्क्रब करना है और आप इसको अच्छे से स्क्रब कर लो। और जब आप इसको स्क्रब कर लोगे और जब 10-15 मिनट हो जाएंगे आपको स्क्रब में, तब आप इसको वॉश कर दो। अगर आपके पास कॉटन का रुमाल है आप उससे साफ कर दो इसको, अगर आपके पास वाइप है तो आप वाइप से क्लीन कर सकते हो। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप इजिली फेस नॉर्मल पानी से वॉश कर लो, ओके? तो आप नॉर्मल पानी से फेस वॉश भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड आफ्टर वॉश आप इसका खुद रिजल्ट देखो गाइस,
इतना अमेजिंग रिजल्ट है, ये बता, ये मैं खुद आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ ये 2 स्टेप से ही आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इसके बाद मिलेगा। जब आप अपनी स्किन को टच करोगे ना, तो आपको खुद अपनी स्किन इतनी सॉफ्ट लगेगी, इतनी सॉफ्ट लगेगी कि आप बार बार अपनी स्किन को छूने वाले हो। बिल्कुल, आप बार बार अपनी स्किन को छूने वाले हो, बार बार अपने खुद ही आप गालों को अपने टच करोगे बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद, इस स्क्रब के बाद आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। पहली चीज, आप खुद इस वीडियो में आप देख लो कि जो फेस था पहले, जो मैंने आपको दिखाया था, कितना डार्क था, पिगमेंटेशन कितनी ज़्यादा थी, डिफरेंट टोन थी फेस की, वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं सिर्फ ये दो स्टेप से। ये काफ़ी सॉफ्ट स्क्रब है और आप बिल्कुल इजी तरीके से इसको बना के इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। और इसको अप्लाई करने के बाद आप अपने फेस को इसी तरीके से छोड़ दो और कोई भी मॉइस्चराइज़र आप इसके ऊपर अप्लाई कर लो, कोई भी का मतलब है। आफ्टर स्क्रब के बाद आप हल्की सी ग्लिसरीन अप्लाई कर लो और इसको सो जाओ, ठीक है। तो आपको ये करना है, हल्की सी ग्लिसरीन आपको अप्लाई करनी है पूरे फेस पे और आप इसी तरीके से सो जाओ। एंड जब आप मॉर्निंग में कहीं भी बाहर जाना, तो प्लीज़ अपने फेस को ढाक कर रखना, अपने फेस को कवर करके रखना और सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो मैं क्या, कोई डॉक्टर भी आपको कुछ ठीक नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो चीज़ें मैंने बताई है कि आप प्रॉपर पानी पियो, अपने आप को हाइड्रेट रखो और सन रेज से अपने स्किन को बचाओ, अपने स्किन को कवर करके रखो, ढक कर रखो, सनस्क्रीन यूज़ करो और पोल्यूशन से अपने स्किन को बचाओ, जो हेल्दी फूड खाओ, फेस योगा करो, एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, स्ट्रेस कम लो, तो इन सब चीज़ों को भी आपको फॉलो साथ में करना पड़ेगा। तब जाके ये सारी चीज़ें जब मिक्स होंगी तब आपको कुछ अंतर दिखेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो ही नहीं करोगे, सिर्फ फेस पे ही काम करते रहोगे, तो उतना बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप दवाइयाँ चला लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इसलिए इन सब चीज़ें, जब आप अंदर से अच्छे रहोगे तब तो आपका निखार बाहर से दिखेगा ना। जब हम अंदर से खुश होते हैं तब आप देखो, तब की स्माइल में और जो बनावटी स्माइल होती है और वो स्माइल में कितना फर्क होता है। जब आपको एक बनावटी स्माइल देनी होती है तो वो बनावटी अलग ही दिखती है, लेकिन जब हम अंदर से खुश होते हैं तो वो एक स्माइल खुल के आती है, क्लोजअप वाली, जी हाँ। तो इसीलिए आपको अंदर से पहले अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना पड़ेगा, आपको अंदर से अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये जो बाहर से आप इसको कर रहे हो अपने स्किन पे काम, तो वो काम करेगा, ओके। और आपकी ये जो पिगमेंटेशन, छाइयाँ, डार्क स्पॉट, जो डिफरेंट टोन है आपके फेस का, ये सारी चीज़ें ईजिली निकल जाएंगी ये इस पूरी सीरीज में, ओके गाइस। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी स्किन का ख्याल रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे को, ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।